मैं तो डिप्टी सीएम हूं ही, मेरे साथ साथ कुशवाहा समाज के तीन तीन डिप्टी सीएम हैं, ये देश में कभी नहीं हुआ। बोला राजस्थान में भी आपका डिप्टी सीएम है, उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी। मैं भी प्रदेश अध्यक्ष हूं और हरियाणा में भी प्रदेश अध्यक्ष आपके समाज से है। यदि आगे के भविष्य को और अच्छा करना है तो घर में खाना जरूर खाइए, रोड पर चाय पीजिए और चाय पीते हुए दसों को चाय पिलाइए और चाय पीते हुए दूसरे को समझाइए अब वोट हमारा इधर उधर कहीं नहीं जाने वाला, एकदम फिक्स है। हमारा भाई हमारा बेटा जो निर्णय लेगा उसी तरफ कुशवाहा समाज का वोट भी जाने का काम। लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए और उन्होंने अपनी अनपढ़ पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और जब वो सत्ता से बाहर चले गए आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ सत्ता बनाया, जबकि लोग जानते हैं कि जेल जाने में एनडीए के लोगों ने उनके खिलाफ काम किया तो भी लालू प्रसाद जी के वोटर अंधा प्यार करते थे। आज भी नहीं बदला था, आज भी अभी लड़ाई होगी 2024 का, आप देखिएगा बिहार के चुनाव में लालू प्रसाद जी के पास 20% वोट रहेगा ही, क्योंकि उनके वोटर अंधा प्यार करते हैं। इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय नरेश जी, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर मेहता जी, कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बसावन भगत जी, नीरज जी, वीरेंद्र दांगी जी, राजू मेहता जी, अमन कुशवाहा जी, रूपनारायण मेहता जी, संतोष मेहता जी, नागमणि कुशवाहा जी, अजय कुशवाहा जी, ललिता कुशवाहा जी, पवन मेहता जी, रामजी मेहता जी, सीता सिन्हा जी, सभी वार्ड काउंसलर साहब बहने, कृष्णा मेहता जी, पूनम मेहता जी, अरुण शांतनु जी और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे नौजवान साथियों, माताएं बहनों, ये गौरव का भी क्षण है और युद्ध के आरंभ करने का भी क्षण है सर। और क्योंकि मैं लंबे समय से बिहार की राजनीति में काम कर रहा हूं, ठीक कहा राजू जी ने कि मैं आज से 25 साल पहले बिहार सरकार में कृषि माप तौल बागवानी मंत्री बना, कई बार विधायक रहा, कई बार विधान परिषद का सदस्य हूं, कई बार मंत्री बनने का भी मौका मिला। लेकिन मैं जब भारतीय जनता पार्टी में गया साथियों तो कई अभी अपने समाज के लोग कहते थे आप कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये डिसीजन क्या सही है कि गलत है। मैं सबको कहता देखिए ये समय है, भारत बदल रहा है और भारत जब बदलेगा हमारे समाज को आजादी के 75 वर्ष के बाद भी किसी पार्टी ने नहीं देखा है। मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कोई पार्टी हो लेकिन संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा। और क्योंकि हमारे ऊपर तो लोहिया और अंग्रेजों ने एक छाप छोड़ा था कि हम कायर होते हैं, हम कायर नहीं है, हमसे ज्यादा लड़ने वाला आज बिहार में कोई भी योद्धा नहीं हो सकता। और हमको देखकर लोग समझते होंगे कि कुशवाहा समाज का बेटा कितना लड़ने वाला होता है, इसमें कहीं दो मत। लेकिन इसलिए साथियों हमको लड़ना भी है और जब सत्ता में आए हैं
जनता का काम भी करना पड़ेगा। लड़कर सत्ता को बदलने का काम किया हम लोगों ने, क्योंकि 2020 के चुनाव में हम लोगों ने एनडीए को सरकार बनाया, जनता ने मैंडेट दिया और उस स्वरूप को फिर बदलने का काम किया जा रहा है। आज मैं यही कहूंगा कि आज देखिए भारतीय जनता पार्टी या देश में ये पहला मौका होगा कि मैं तो डिप्टी सीएम हूं ही, मेरे साथ साथ कुशवाहा समाज के 3-3 डिप्टी सीएम हैं। ये देश में कभी नहीं हुआ। चलो राजस्थान में भी आपका डिप्टी सीएम है, उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी। मैं भी प्रदेश अध्यक्ष हूं और हरियाणा में भी प्रदेश अध्यक्ष आपके समाज से था, क्योंकि कोई लोग देखता ही नहीं था हमारे तरफ, हमारे तरफ सोचता ही नहीं था कि ये समाज की मुख्य धारा में आ सकता है। क्योंकि मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, मैं तो इसलिए विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं साथियों, कई दायित्वों को हमको मौका मिला। कई लोग सोचते हैं जीवन में मैं विरोधी दल का नेता हुआ, पार्टी का अध्यक्ष हुआ और आज पार्टी का विधानमंडल दल का नेता हूं और बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाने का काम हुआ। ये साथियों एकदम अंधा प्यार करना पड़ेगा, मैं बता देता हूं, कोई लुका छुपी नहीं करेगा। यदि सही में समाज को बढ़ाना तो दूसरे से सीख लेने का मैं बार बार कहता हूं, जिस तरह लोग कहते हैं गारंटर की बात, तो गारंटर तो दूसरे समाज में भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन अंधा प्यार खून से करता है। और मैं यदि आपके खून का वंशज हूं तो आपको अंधा ही प्यार करना पड़ेगा, कुछ नहीं बुलाया जाना पड़ेगा। मेरा डिसीजन क्या है, सत्ता आती है जाती है, लेकिन लड़ाई और वजूद को खड़ा करने का समय है। साथियों मैंने देखा दो दिन, मात्र दो दिन, अरे मैं अध्यक्ष था लेकिन दो दिन तक जितना चिंता आप लोग के नजर मेरे को पड़ती थी, जो मिलता था वो दुखी प्राणी हो बना हुआ था। ये सत्ता इतनी आसानी से नहीं मिल पाए, लेकिन आप जब अंधा प्यार करेंगे, इसलिए मैंने कहा खून, खून का रिश्ता सिर्फ अंधा प्यार करने के लिए, जिस तरह आप पत्नी से प्यार करते हैं, फिर बच्चों से प्यार करते हैं, तो हम लोग भी पार्टी के, जरूर किसी पार्टी के नेता हैं, लेकिन कुशवाहा समाज का बेटा हूं। आंख मूंद कर भरोसा कीजिए, जो गौरवशाली इतिहास सम्राट अशोक का आ रहा है उसको जरूर वापस। बिना परिश्रम का कुछ नहीं मिल सकता, कोई उपाय नहीं है। और राजनीति तो और भी टफ है, यहां तो किस्मत भी आने चाहिए। लोग उम्मीदवार कई होते, लाखों करोड़ों में कार्यकर्ता होते हैं साथ, लेकिन आगे बढ़ना होगा। इसलिए मैं आज विशेष तौर पर कुशवाहा महासभा को धन्यवाद भी देता हूं और समय समय पर हम मिलते रहे, जरूर हम आग्रह करेंगे और सेक्टर वाइज जरूर मिलिए। आप नौजवानों को आगे बढ़ाने का प्लान लेकर बैठिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कीजिए और इस कम्युनिटी को, इस कम्युनिटी, क्योंकि आपको इसलिए महिलाओं को बढ़ाना भी पड़ेगा। देखिए कंफ्यूजन खत्म कीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, अंधा प्यार इसी के लिए बनेगा। और स्पष्ट तौर पर बोलना भी पड़ेगा चौक चौराहे, कोई आपको खैरात में नहीं मिल सकता है चीज। और अभी तक तो समझिए कि मैं मनोनीत हूं, इलेक्टेड नहीं हूं भाई साहब, इसलिए मैं कहा कि यह भाजपा का कृपा है कि हमको उप मुख्यमंत्री बनाए। और इलेक्टेड इसलिए नहीं कहा कि जनता से सीधा संवाद करके सत्ता तक नहीं पहुंचा हूं, इसलिए मैं जरूर आग्रह करूंगा यदि आगे के भविष्य को और अच्छा करना
तो घर में खाना जरूर खाइए, रोड पर चाय पीजिए और चाय पीते हुए दसों को चाय पिलाइए और चाय पीते हुए दूसरे को समझाइए अब वोट हमारा इधर उधर कहीं नहीं जाने वाला, एकदम फिक्स है। हमारा भाई हमारा बेटा जो निर्णय लेगा उसी तरफ कुशवाहा समाज का वोट भी जाने का काम है, क्योंकि हम अपने नहीं तय कर सकते। और समाज आज के तारीख में इससे बड़े पद की कल्पना नहीं कर सकता ना, हम उसके लिए लड़े हैं बता देता हूं। इसलिए साथियों हमको आगे की संरचना यदि ठीक करनी है, सामाजिक संरचना, बोलने का काम, गारंटर बनाना, अंधा प्यार। और क्योंकि मैं कई बार बोल चुका हूं आप लोगों को, आप लोग देखते होंगे लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए और उन्होंने अपनी अनपढ़ पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और जब वो सत्ता से बाहर चले गए आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ सत्ता बनाया, जबकि लोग जानते हैं कि जेल जाने में एनडीए के लोगों ने उनके खिलाफ काम किया, तो भी लालू प्रसाद जी के वोटर अंधा प्यार करते थे। आज भी नहीं बदला था, आज भी अभी लड़ाई होगी 2024 का, आप देखिएगा बिहार के चुनाव में लालू प्रसाद जी के पास 20% वोट रहेगा ही, क्योंकि उनके वोटर अंधा प्यार कर रहे हैं। कहूंगा सभी साथियों से एकदम अपने लोगों को ठीक करते, बहुत समय नहीं है, मात्र 15 महीने की सरकार मिली है हमको, 3 महीना 4 महीना चुनाव में चला जाए फिर वहीं से हम लोग काम करना शुरू करें और फिर अगले साल नवंबर में चुनाव में जाना है। इसलिए मात्र 15-16 महीने की सरकार है सब, इसलिए आपका सहयोग, आपका स्नेह प्यार, आपका अंधा प्यार और बिहार के विकास में पूरा योगदान देने का काम करना है और इस समाज को मुख्य धारा में रखना है, यही प्रयास करते हुए हम जरूर आश्वस्त करते हैं कि ये समाज मुख्य धारा में है और आगे के दिनों में भी मुख्य धारा में ही खड़ा रहेगा। यही बात करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत धन्यवाद।